गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों, साईराम। आज हम अपने हिंदी विषय को लेकर फिर उपस्थित हुए हैं। बच्चों, हमने इसके पहले वाले कालांश में ठेस पाठ की शुरुआत की थी। ठेस पाठ में हमने सिरचन के बारे में देखा था और हमने हमारे लेखक के बारे में भी जानकारी देखी थी। तो आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा सा पीछे भी रिकैप करते हैं कि हमने कहाँ तक पढ़ लिया था और हमें कहाँ से शुरू करना है। बच्चों, हमने पाठ 10 की शुरुआत की थी। पाठ 10 ठेस पूरक पठन, इसके जो लेखक हैं फणीश्वरनाथ रेणु जी हैं और इन्होंने इस गद्य संबंधी में क्या बताया था कि यह एक आंचलिक कहानी है बिहार की और इसमें कथाकार ने एक कलाकार के बारे में बताया है कि कारीगर, उसके ग्रामीण जीवन, सामाजिक संबंध और कारीगर के स्वाभिमान के बारे में हमें इसमें बताया है। तो बच्चों, हम यहाँ पर पहुँचे थे, कहानी हमारी यहाँ तक थी कि हम सिरचन की बात कर रहे थे। सिरचन जो है उसे लोग मुफ्तखोर और चटोर कहते हैं क्योंकि उसे स्वादिष्ट खाना खाना बहुत पसंद है। और दूसरी बात, सिरचन मेहनताने में क्या लेता है, पेट भर खाना और एकाध दो पुराना धुराना कपड़ा लेता है, लेकिन खाना उसका परफेक्ट होना चाहिए, खाना अच्छा होना चाहिए, ठीक है। और इसमें हमने देखा था कि हमारे लेखक जो हैं, लेखक कहानी बता रहे हैं, इस कहानी में लेखक सिरचरण को अपने घर पर बुला कर लाते हैं और अपने घर पर बुला के लाने का कारण क्या होता है, उसमें यह कारण है कि लेखक की जो छोटी बहन है वह कहाँ जा रही है, ससुराल जाने वाली है। और बच्चों, मैंने इसके पहले वाले पार्ट जो था उसमें ये भी बताया था कि उस वक्त जब ये कहानी है जिस वक्त की, तो जो भी कार्य सिरचन को आता है, शीतल पाटी बनाना, मोती बनाना और जो भी अच्छी अच्छी कारीगरी उसे आती है, पहले के ज़माने में जब लोग बेटियों को विदा करते थे, ससुराल भेजते थे, तो ये सब चीज़ें बनाकर मतलब ससुराल में भेजते थे बेटियों के साथ, तो इसीलिए लेखक सिरचन को बुलाकर लाया है। हमने यहाँ तक पढ़ा था, देखते हैं। सिरचन कुछ भी नहीं बोलेगा, ऐसी बात नहीं, सिरचन को बुलाने वाले जानते हैं सिरचन बात करने में भी कारागर है। महाजन टोले के भज्जू महाजन की बेटी सिरचन की बात सुनकर तिलमिला उठी थी। ठहरो, मैं माँ से जाकर कहती हूँ इतनी बड़ी बात। बड़ी बात ही है बिटिया, बड़े लोगों की बस बड़ी बात ही बड़ी होती है, नहीं तो दो तीन पटेर की पार्टियों का काम सिर्फ खेसारी का सत्तू खिलाकर कोई करवाए भला, यह तुम्हारी माँ ही कर सकती है बबनी, सिरचन ने मुस्कुराकर जवाब दिया था। इस बार मेरी सबसे छोटी बहन पहली बार ससुराल जा रही थी, मानू के दूल्हे ने पहले ही बड़ी भाभी को लिखकर चेतावनी दे दी है। मानू के, बच्चों यहाँ तक हमने पढ़ा था कि लेखक सिरचन को बुला के लाया है और सिरचन से कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है कि छोटी बहन कहाँ जाने वाली है, ससुराल, और उस छोटी बहन का नाम क्या है, मानू, और उसके पति ने क्या लिखकर भेजा है, मानू के साथ मिठाई की पतीली ना आए कोई बात नहीं, तीन जोड़ी फैशनेबल चिक और पटेर की दो शीतल पार्टियों के बिना आएगी मानू तो, मतलब उन्हें मिठाई वगैरह नहीं चाहिए, उन्हें सुंदर चिक और पटेर की दो शीतल पार्टी चाहिए। बच्चों, पिछले पाठ में मैंने बताया था किस प्रकार शीतल पार्टी क्या होता है, पटेर क्या होता है, चिक क्या होता है। भाभी ने हंसकर कहा, बैरंग वापस, बैरंग वापस मतलब जो संदेशा आया वो वापस आने का कि बेटी को लेने के लिए, वो वापस, इसलिए एक सप्ताह पहले से ही सिरचन को बुलाकर काम पर तैनात करवा दिया था माने, और इसीलिए सिरचन को बुलाया गया था इन सब चीज़ों को बनाने के लिए। देखो सिरचन, इस बार नई धोती दूंगी, असली मोहर छाप धोती, मन लगाकर ऐसा काम करो कि देखने वाले देखते ही रह जाए। सिरचन जो लेखक की माँ है वो सिरचन को कहती है, सिरचन बहुत अच्छे से काम करना और तुम्हें इस बार मैं नई मोहर छाप वाली धोती दूंगी, मतलब अच्छे से डिजाइन वाली, और मन लगाकर काम करना। आगे, पान जैसी पतली छुरी से बांस की तीलियां और कमानियों को चिकनाता हुआ, चिकनाता मतलब अच्छे से शार्प करता हुआ सिरचन अपने काम में लग गया। रंगीन सुतलियों में झब्बे डालकर चिक बुनना बैठ गया, झब्बे मतलब एकदम झालरदार, ऐसे सुंदर तरीके से, डेढ़ हाथ की बिनाई देखकर ही लोग समझ गए कि इस बार एकदम नए फैशन की चीज़ बन रही है, मतलब उसने बहुत सुंदर तरीके से शुरुआत की थी।
मजली भाभी से नहीं रहा गया, जो लेखक के घर में उनकी मजली भाभी है उनसे रहा नहीं गया। वो क्या कहती हैं, पर्दे की आड़ से बोली, पहले ऐसा जानती कि मोहर छाप वाली धोती देने से ही अच्छी चीज़ें बनती है तो भैया को खबर भेज देती। मतलब ये मजली भाभी सिरचन को क्या बोलती है पीछे से, कि अगर मुझे पता होता कि मोहर छाप वाली धोती मिलने से इतनी अच्छी चीज़ें बनती है तो मैं मेरे भाई को संदेश भेज देती, वो भी मोहर छाप वाली धोती दे देता और तुम मेरे लिए भी ऐसी चीज़ें बना देते। ऐसा वो सिरचन को बोलती है। देखो आगे क्या आंसर मिलता है। काम में व्यस्त सिरचन के कानों में बात पड़ गई, बोला, मोहर छाप वाली धोती के साथ रेशमी कुर्ता देने पर भी ऐसी चीज़ नहीं बनती बहुरिया। मतलब यहाँ पर देने से नहीं, मान सम्मान और इज्जत से वो बना रहा है, क्योंकि माँ ने कितना अच्छे से उसका रिक्वेस्ट किया और लेखक की माँ ने ये भी बताया कि बेटी के ससुराल जाने वाला है इसलिए वो बना रहा है, लालच में वो नहीं बना रहा है। तो वह लेखक की मछली भाभी को क्या आंसर देता है, मोहर छाप वाली धोती के साथ रेशमी कुर्ता देने पर भी मैं ऐसी चीज़ नहीं बनाता। मानू दीदी काकी की सबसे छोटी बहू है, बेटी है। मानू दीदी का दूल्हा अफसर आदमी है। यहाँ पर सिरचरण क्या बताता है, बोलता है, बहू रानी मानू दीदी काकी की सबसे छोटी बेटी है, मानू दीदी का दूल्हा अफसर आदमी है। मजली भाभी का मुंह लटक गया। मतलब सिरचन ने जवाब, सिरचन को तो मुंह जोर कहा गया है, सिरचन ने तुरंत जवाब दे दिया कि ये छोटी बेटी के लिए बन रहा है और उनका दूल्हा बहुत अच्छा अफसर है। मेरी चाची ने फुसफुसाकर कहा, किससे बात करती हो बहू, मोहर छाप वाली धोती नहीं मुंगिया लड्डू बेटी की विदाई के समय रोज मिठाई जो खाने को मिलेगी देखती है ना। मतलब जो उनके घर में चाची थी वह भी सिरचरण को बोलती है कि मोहर छाप वाली धोती नहीं मुंगिया मूंग के लड्डू और बेटी की विदाई के समय रोज मिठाई जो खाने को मिलेगी। मतलब सिरचरण को वो ताना कस रही है कि इसे तो लड्डू वगैरह खाने को मिलेंगे, देखती है ना। देखो आगे, दूसरे दिन चिक की पहली पातियों के सात तारे जगमगा उठे। अब चिक में सात तारे, बच्चों यहाँ पे सात तारे का अर्थ होता है ना सात प्रकार की डिजाइनें होती हैं और बहुत सुंदर होती हैं, सात रंग के सत भैया तारे, और वो सातों रंग इतना सुंदर लग रहे थे जैसे सात भाई खड़े हों। ये वाली कहानी सुनी ही होगी आप लोगों ने कि सात भाई होते हैं, उनकी एक प्यारी सी बहन होती है, उन्होंने अपने भाई अपनी बहनों के लिए बहुत अच्छा करके रखते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर जो लेखक की बहन है मानू और उसमें जो उन्होंने बनाया है डिज़ाइन वो सत भैया सात भाइयों की तरह इतना सुंदर तरीके से उसने कारीगरी की है। अपने काम में मगन सिरचन को खाने पीने की सुध नहीं रहती, लेकिन सिरचन की एक खासियत भी थी, जब वह काम में मग्न हो जाता तो पूरी ईमानदारी और पूरी निष्ठा से कार्य को करता, तब उसे खाने पीने की सुध नहीं रहती। चिक में सुतली के फंदे डालकर उसने पास पड़े सूप पर निगाह डाली। चूरा और गुड़ का एक सूखा ढेला। अब उसने पास में पड़ा एक सूप देखा। बच्चों अनाज फटकने का माध्यम होता है, जैसे अनाज साफ किया जाता है, जैसे आप लोग सुपड़ी वगैरह भी कहते हो। और उसने क्या देखा, उस सूप में क्या पड़ा है, चूरा पोहा, चूरा आप लोग पोहा बोलते हो, और गुड़ का एक सूखा ढेला। मैंने लक्ष्य किया, मैंने कौन है, लेखक, लेखक ने ध्यान दिया। सिरचरण की नाक के पास दो रेखाएं उभर आई। सिरचरण ने देखा उसके सामने क्या रखा हुआ है, एक चूरा और गुड़, जो कि सिरचरण खाने में स्वादिष्ट चीज़ें चाहिए। मैं दौड़कर माँ के पास गया, माँ आज सिरचन को कलेवा किसने दिया, सिर्फ चूरा और गुड़। कलेवा का अर्थ होता है बच्चों हम नाश्ता करते हैं ना, तो यहाँ पर गांव में क्या कहा जाता है, कलेवा। तो उसे खाने नाश्ते में क्या दिया गया है, केवल चूड़ा और गुड़। आगे देखते हैं क्या होता है। इस प्रकार ये होता है सूप, आप पिक्चर में देख सकते हो बच्चों, आप जानते होगे गुड़ का ढेला और सिर्फ चूड़ा दिया गया है। यहाँ तो रंगीन दिख रहा है लेकिन गाँव में एकदम सादा चूड़ा रहता है, सिंपल वाइट वाला। आगे देखते हैं क्या होता है। माँ रसोई के अंदर पकवान आदि बनाने में व्यस्त थी, क्योंकि बेटी की विदाई है तो अच्छे अच्छे पकवान बनाने होते हैं। अरे मछली सिरचन को बुंदिया क्यों नहीं दे देती, बुंदिया मतलब बुंदिया के लड्डू बनते हैं। बुंदिया मैं नहीं खाता काकी, सिरचन ने सुना उसके बुरा लग रहा है उसे, बुंदिया मैं नहीं खाता काकी। सिरचन के मुँह में चूरा भरा हुआ था, गुड़ का ढेला सूप में एक किनारे पर पड़ा रहा अछूता। सिरचन चूरा खा रहा है और गुड़ को उसने छुआ तक नहीं। माँ की बोली सुनते ही मजली भाभी की भौहें तन गई, मुट्ठी भर बुंदिया सूप में फेंक कर चली गई। और क्या किया उसने,
बुंदिया को सूप में रखा भी नहीं, ऐसे फेंक के चली गई। सिरिचरण ने पानी पीकर कहा, मजली बहुरानी अपने मैके से आई हुई मिठाई भी इसी तरह हाथ खोलकर बांटती हैं क्या? हाथ खोलकर बांटना, यहाँ पर उन्होंने फेंक के दिया ना, तो सिरिचरण का कहने का मतलब है क्या तुम्हारे मायके से जब मिठाइयाँ आती हैं तो आप लोगों को ऐसे ही फेंक कर देती हो? बस मजली भाभी अपने कमरे में बैठकर रोने लगे। सिरिचरण ने कुछ गलत तो नहीं कहा था, लेकिन वो मुँह फट था, उसने सामने बोल दिया तो मजली भाभी को बुरा लगा। चाची ने माँ के पास जाकर कहा, मुँह लगाने से सिर पर चढ़ेगा ही, किसी के नैहर ससुराल की बात क्यों करेगा वह? मतलब आपने उसे मुँह लगा लिया इसलिए वो इतना बढ़ चढ़ के बैठ बोल रहा है, नैहर ससुराल मतलब माँ के और ससुराल की बात क्यों करे? मंजली भाभी माँ की दुलारी बहू हैं। माँ तमक कर बाहर आई, सिरिचरण तुम काम करने आए हो, अपना काम करो, बहुओं से बदकुट्टी करने की क्या जरूरत है? बदकुट्टी मतलब बिना मतलब की इधर उधर की नोकझोंक करने की क्या जरूरत है? जिस चीज़ की जरूरत हो मुझसे कहो। सिरिचरण का मुँह लाल हो गया, उसने कोई जवाब नहीं दिया, बांस में टंगे हुए अधूरे चिक में फंदे डालने लगा, वो चुपचाप अपना कार्य करने लगा। मानू पान सजाकर बाहर बैठ खाने में भेज रही थी, चुपके से पान का एक बीड़ा मतलब एक बीड़ा उठाकर सिरिचरण को देती हुई इधर उधर देखकर बोली, सिरिचरण दादा काम काज का घर है, पांच तरह के लोग पांच किस्म की बातें करेंगे, तुम किसी की बात पर कान मत दो, कान मत दो मतलब ध्यान मत दो। जो मानू थी वो सबको पान दे रही थी, उसने ले जाकर सिरिचरण को भी एक पान दिया और बताया कि दादा जाने दो ना, घर में कामकाज का घर है, पांच लोग पांच बातें कहेंगे, आप चुपचाप काम करो, क्योंकि सबको मालूम है अगर सिरिचरण का दिमाग हटा तो काम छोड़कर चला जाएगा। सिरिचरण ने मुस्कुराकर पान का बीड़ा मुंह में ले लिया। चाची अपने कमरे से निकल रही थी, सिरिचरण को पान खाते देखकर अवाक हो गई, उसे आश्चर्य, अरे ये पान कैसे खा रहा है, किसने दिया इसे पान? सिरिचरण ने चाची को अपनी ओर अचरज से घूरते देखकर कहा, छोटी चाची जरा अपनी डिबिया का गमकौवा जर्दा खिलाना। एक तो वैसे ही पान खाते देखकर चाची जली भुनी जा रही थी, तब से सिरिचरण ने क्या मांग लिया, उनकी डिबिया का गमकौवा जर्दा, गमकौवा मतलब सुगंधित जो सुपारी होती है वह मांग लिया। बहुत दिन हुए चाची कई कारणों से जली भुनी रहती थी सिरिचरण से, गुस्सा उतारने का ऐसा मौका फिर नहीं मिल सका। झनकती हुई बोली, तुम्हारी बढ़ी हुई जिभ में आग लगे, घर में भी पान और गमकौवा जर्दा खाते हो, चटोर कहीं के। मेरा कलेजा धड़क उठा, हो गया सत्यानाश। अब लेखक का कलेजा धड़क उठा, अब तो सिरिचरण के दुखती रथ पर चाची ने हाथ रख दिया, अब क्या होगा? बस सिरिचरण की उंगलियों में सुतली के फंदे पड़ गए, क्योंकि उन्होंने सिरिचरण को क्या बोल दिया, चटोर बोल दिया ना, तो सिरिचरण को बुरा लगा, सही बात है। सिरिचरण की उंगलियों में सुतली के फंदे पड़ गए। मानो कुछ देर तक वह चुपचाप बैठा पान को मुंह में घुलाता रहा, फिर अचानक उठकर पिछवाड़े पीक थूकाया, अपनी छुरी हसियाँ वगैरह समेत संभाल कर झोले में रखे, टंगी हुई अधूरी चिक पर एक निगाह डाली और हनहनाता हुआ आंगन से बाहर निकल गया। सिरिचरण ने क्या किया, चुपचाप कुछ समय बैठा रहा, अपना सारा सामान समेटा और हनहनाता हुआ जल्दी से आंगन से बाहर निकल गया। मानू कुछ नहीं बोली, मानू चुपचाप रही, कुछ नहीं बोली, चुपचाप अधूरी चिक को देखती रही। सात तो उतारे मंद पड़ गए। माँ बोली, जाने दे बेटी, जी छोटा मत कर मानू, मेले से खरीद कर भेज दूंगी। मैं सिरिचरण को मनाने गया, देखा एक फटी हुई शीतल पाटी पर लेटकर वह कुछ सोच रहा था, मुझे देखते ही बोला, बबुआ जी अब नहीं, कान पकड़ता हूँ अब नहीं, मोहर छाप वाली धोती लेकर क्या करूँगा, कौन पहनेगा, ससुरी खुद मरी, बेटी बेटियों को ले गई और अपने साथ, मतलब वो अपनी पत्नी के बारे में कह रहा है कि वो मर भी गई और सिरिचरण के भी बेटे बेटियाँ थे लेकिन वो भी मर गए। बबुआ जी मेरी घरवाली जिंदा रहती तो मैं ऐसी दुर्दशा भोगता, यह शीतल पाटी उसी की बुनी हुई है, इस शीतल पाटी को छूकर कहता हूँ। सिरिचरण के दिल को बहुत बड़ी ठेस लगी थी, वो क्यों खाता पीता, क्यों उसे खाने पीने की इच्छा रहती थी, क्योंकि उसके घर पे कोई था ही नहीं ये सब चीज़ें बनाने के लिए। तो वही वो कहता है कि क्या मेरी घरवाली जिंदा रहती तो मेरी ऐसी दुर्दशा होती, और मैं इस शीतल पाटी पर हाथ रखकर छूकर कसम खाता हूँ, कह रहा हूँ अब यह काम नहीं करूँगा, गांव भर में तुम्हारी हवेली में मेरी कदर होती थी, अब क्या,
मैं चुपचाप वापस लौट आया। समझ गया कलाकार के दिल में ठेस लगी है, वह नहीं आ सकता। बड़ी भाभी अधूरी चिक में रंगीन छीटे का झालर लगाने लगे, यह भी बेजा नहीं दिखाई पड़ता। क्यों मानो, मतलब उनके घर में जो भाभी, गांव में भी जो औरतें हुआ करती थी उनको भी ये सब चीज़ें बनाने आया करती थी, इसलिए कहा गया ना सिलाई पुराई वगैरह आना चाहिए, जो हमने रीढ़ की हड्डी पार्ट में पढ़ा था, तो औरतों को आती है। तो यहाँ पर जो भाभी है, बड़ी भाभी अधूरी जो चिक सिरचन छोड़ गया है उसे बना रही हैं, उसमें झालर लगा रही हैं, तो वो भी कुछ खराब नहीं दिख रहा, सही दिख रहा है। मानू कुछ नहीं बोली, बेचारे। किंतु मैं चुप नहीं रह सका, चाची और मझली भाभी की नज़र न लग जाए इसमें भी। मानू को ससुराल पहुँचाने मैं ही जा रहा था, अब वो समय आ गया। मानू को ससुराल पहुँचाने लेखक जा रहा था। आगे क्या होता है, स्टेशन पर सामान मिलाते समय देखा मानू बड़े जतन से अधूरी चिक को मोड़ कर लिए जा रही थी अपने साथ, क्योंकि मानू के जो पति हैं उन्होंने ये सब चीज़ें मांगी थी। मानू का दिल छोटा हो गया था कि ये सब चीज़ें तैयार हुई नहीं, माँ ने खरीद के दी लेकिन वो उतनी अच्छी सुंदर नहीं थी और वो अधूरी थी, वो भी उसे वो लेके जा रही थी। मन ही मन सिरिचन पर गुस्सा हो आया, चाची के सुर में सुर मिलाकर कोसने को जी हुआ, कामचोर चटोर। गाड़ी आई, सामान चढ़ाकर मैं दरवाजे बंद कर रहा था कि प्लेटफॉर्म पर दौड़ते हुए सिरिचन पर नज़र पड़ी। बबुआ जी, उसने दरवाजे के पास आकर पुकारा। अब जैसे ही गाड़ी पे चढ़े, बंद दरवाज़ा बंद करने को हुआ तो उन्हें कौन दिखाई दिया, सिरिचन दिखाई दिया। क्या है, मैंने खिड़की से गर्दन निकालकर झिड़की के स्वर में कहा, मतलब झिड़कते हुए, सुन क्या है। सिरिचन ने पीठ पर लदे हुए बोझे को उतार कर मेरी ओर देखा, दौड़ता आया हूँ, दरवाज़ा खोलिए, मानू दीदी कहाँ है, एक बार देखूँ। सिरिचन मानू दीदी को देखने हैं और अपने साथ कुछ लेकर आया है और वह गुजारिश कर रहा है कि दरवाज़ा खोलिए, मैं मानू दीदी को देखना चाहता हूँ। मैंने दरवाज़ा खोल दिया। सिरिचन दादा, मानू इतना ही बोल सकी। खिड़की के पास खड़े होकर सिरिचरण ने हकलाते हुए कहा, यह मेरी ओर से है, सब चीज़ें हैं दीदी, शीतल पाटी, चिक और एक जोड़ी आसनी कुश भी। गाड़ी चल पड़ी। आसनी कुश का अर्थ था ना आसन, बिठा के बैठ के पूजा वगैरह करते हैं, खाना वगैरह खाते हैं। मानू मोहर छाप वाली धोती का दाम निकाल कर देने लगे। सिरिचरण ने जीभ को दांत से काट कर दोनों हाथ जोड़ दिए। मानू फूट फूट कर रो रही थी। मैं बंडल को खोल कर देखने लगा, ऐसी कारीगरी, ऐसी बारीकी, रंगीन सुतलियों के फंदों का ऐसा काम पहली बार देख रहा था। बच्चों, आपको यहाँ समझ में आया पाठ, किस प्रकार भले कलाकार के दिल को ठेस पहुँची थी लेकिन वह अपने गांव की बेटी के लिए जो मांगा गया था उसने उसे तैयार किया पूरी तरीके से, और एक अच्छी चीज़ भी, शीतल पाटी, चीक और एक जोड़ी आसनी कुश सब बनाकर लाकर उसने दिया, और उसने अपना मेहनताना भी नहीं दिया, क्योंकि मानू उसे पैसे दे रही थी लेकिन सिरिचरण ने नहीं लिया, और मानू फूट फूट कर रोने लगी। और लेखक जब बंडल खोल कर देखता है तो इतनी सुंदर कारीगिरी, इतनी बारीकियाँ, जैसा वह सिरिचरण के बारे में उसने सुना था वैसी ही कलाकारी यहाँ पर देखी। बच्चों, कलाकार कभी भी अपने कला के प्रति पूरा वफादार होता है, उस कलाकार से जब उसकी कला के बारे में कुछ मांग लिया जाए तो वह जरूर देता है। यहाँ पर सिरिचरण ने वह साबित कर कर दिखाया। फणीश्वरनाथ रेणु के संपूर्ण कहानियों में से बच्चों ये कहानी सही में बहुत ही अच्छी थी, कि किस प्रकार सिरिचरण, उसके दिल को ठेस तो लगी लेकिन गाँव की बेटी के लिए, अपनी बहन जिसे वो माना, दीदी माना, उसके लिए उसने अपनी कला को दिया, उसने वो जो मांगा था वह बनाकर दिया। उम्मीद है आपको पाठ समझ में आया होगा बच्चों, कि ठेस तो लगी, इससे ये समझ में आता है कि कभी भी कलाकार का कभी अपमान नहीं करना चाहिए, उसकी कला का आदर और सम्मान करना चाहिए। ठीक है, इससे संबंधित जो प्रश्न हो सकता है वो मुहावरे देख सकते हैं। बेगार, बेगार का अर्थ होता है बिना मजदूरी दिए जबरदस्ती लिया गया काम। मड़ैया मतलब झोपड़ी, चिक पास की तीलियों का बना हुआ सुंदर पत्र पर्दा, मोथी एक प्रकार की घास, शीतल पाटी चटाई, मुंज एक प्रकार का घास होता है, कलेवा का अर्थ होता है नाश्ता। अब हम आते हैं मुहावरा। मुंह लाल होना का अर्थ होता है क्रोधित होना, ठेस लगना, दुखी होना या बुरा अनुभव होना, फूट फूट कर रोना, जोर जोर से रोना, मुँह लटकाना, निराश होना। बच्चों, परीक्षाओं में मुहावरे आएंगे, वो आपको करने हैं। अर्थ, अर्थ के साथ वाक्यों में प्रयोग करना, ये दोनों चीज़ें आपको आनी चाहिए। और बच्चों, आपको ये भी पता है
मुहावरे तीसरे प्रकार का भी आएगा कि वाक्य फ्रेम करके दिया गया रहेगा, आपको वो मुहावरे वहाँ पर फिट करना होगा, ठीक है। और इससे संबंधित प्रश्न, श्रीचरण को आने वाले काम, ये तो हमने देखा था क्या क्या आता है उसे, मोती, शीतल पाटी, पटेल, अलग अलग प्रकार के कार्य। मोनू को जो मानू है उसको उपहार में मिला, क्या मिला, श्रीचरण ने क्या दिया उसे उपहार में, ये आपका गृह कार्य है। मैंने तो यहाँ पे पढ़ाया था, इसके आंसर्स मैं नहीं बताऊँगी, इसके पहले वाले में मैंने बताया था, इसका प्रश्न का उत्तर आप खुद ही देखोगे। एक छोटा सा गृह कार्य के रूप में वाक्य का उचित क्रम लगा कर लिखिए, ये जो वाक्य है सबसे पहले क्या घटना घटित हुई है उसको उचित काम उचित क्रम में लगाइए। श्रीचरण को लोग कहते हैं ये भी, और एक स्वमत है, कला और कलाकार का सम्मान करना हमारा दायित्व है, इस कथन पर अपने विचार को शब्दबद्ध कीजिए। स्वमत है बच्चों आपका, स्वमत आप अपनी, ये होमवर्क के रूप में, गृह कार्य के रूप में बच्चों ये होमवर्क आपको लिखना है, एज यू विश, जिसे लिखना है वो लिख सकता है, लेकिन जो लिखेगा वो उसके लिए ही बहुत अच्छा होगा, क्योंकि परीक्षाओं में स्वमत आने वाला है, सेमेस्टर की परीक्षाओं तो नहीं, बोर्ड की परीक्षाओं में तो आएगा ही स्वमत, तो आपके जो लिखने की हैबिट कम होती जा रही है, अपने विचार प्रस्तुत करने की, वह उसे आप लगातार चालू रखिए। तो ये कला और कलाकार का सम्मान करना हमारा दायित्व है, इस कथन पर अपने विचार, ये आपको अपनी, आपने नोटबुक बनाया है या नहीं बनाया है, पेज में भी लिखते हो तो आप इसे लिखिए। बच्चों उम्मीद है आपका यह मेरे ख्याल से अंतिम पाठ है, ठेस यह पाठ आपको समझ में आया होगा। अगले कालांश में हम कुछ व्याकरण लेकर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।